बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कैसे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारे पर टॉपिक है वो भी पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से है, लेकिन इसके अंदर जो है ये तो फैक्टर लीनियर होंगे और फैक्टर जो होंगे रिपीट होंगे, इसके हवाले से हमारे पर टॉपिक है। यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक्स एस टू फोर प्लस वन ओवर एक्स स्क्र इन टू एक्स माइनस वन। पहली बात ये होती है कि इसको देखना होता है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर देखा जाए इसमें ऊपर एक्स की पावर फोर है, नीचे अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हों तो x की पावर 3 बनते हैं, तो ये इम्प्रॉपर है। पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू डिवीजन में अंदर रखेंगे और नीचे वालों को हम सिंप्लीफाई करके इधर हल करेंगे। यूज़ हमने फैक्टर करने, ये काम सिर्फ डिवीजन की हद तक होता है। एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर को माइनस वन से करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इसकी पहली वैल्यू एक्स की पावर 4 है और इसकी एक्स की पावर 3 है। एक्स की पावर 3 एक्स पावर 4 को डिवाइड करें तो एक्स बनता है, ऊपर एक्स लिखना है। ये डिवीजन करने की टेक्निक है। इस एक्स को जब हम इस एक्स क्यूब से करेंगे एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की पावर 3। साइन चेंज कर देंगे, प्लस वाली वैल्यू माइनस, माइनस वाली प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ एक्स की पावर 3 ऊपर से प्लस 1, क्योंकि यहाँ भी एक्स की पावर 3 है जो डिवाइड कर रहा है, जो रिमाइंडर बचा है वो भी एक्स की पावर 3 है। अगर रिमाइंडर के अंदर जो वेरिएबल हासिल हुआ है उसकी पावर और जो डिवाइड कर रहा है उसकी पावर अगर इक्वल आ जाए तब भी ये इम्प्रॉपर है। तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा एक्स की पावर 3 को एक्स की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1, मतलब प्लस 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और जवाब यहाँ नीचे लिखना है। ये जो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे तो एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 कैंसिल, यहाँ से एक्स स्क्वायर, इधर से प्लस का 1। अभी एक्स स्क्वायर बच जाएगा, वो हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू है। तो इसको लिखना कैसे है क्लॉकवाइज मेथड से समझाने के लिए, पहले एक्स प्लस 1 ऊपर वाली वैल्यू, फिर प्लस नीचे वाली वैल्यू ऊपर, डिवाइडर डिवाइडर में ही रहेगा। ये दोनों जो थे वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हासिल हुए हैं, इसलिए वैसे ही लिखे जाएंगे। हमने कंसीडर करके इसको लेके आना है, ये तो सिंप्लीफाई हो चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। इसके हल करने का एक और भी तरीका है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी हम इसको फैक्टर रिपीट करें। एक्स का मतलब है कि ये दो दफ़ा एक्स मल्टीप्लाई एक्स। फैक्टर जब रिपीट होते हैं तो पहला उसकी पावर 1 लिखी जाती है, ये समझिए दो फैक्टर हैं। पहले इसकी पावर 1 आएगी, फिर इसकी पावर 2 आएगी। इसी तरह एक्स माइनस 1 ये अकेला आएगा। फर्स्ट किया, अगर यहाँ पे एक्स की पावर एक्स माइनस 1 की पावर 2 होती तो जो हम आगे लिखते वो लिखते डी एक्स डी ओवर एक्स माइनस 1 की पावर 2। तो ये फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं तो फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए पावर पहले 1 फिर 2 फिर से जितने भी होते हैं एंड सो ऑन चलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाय एलसीएम। एलसीएम में जो वैल्यू बनती है वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 है। अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस खत्म, ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक के नीचे एक एक्स है इसलिए एक एक्स बच जाएगा और एक्स माइनस 1 बच जाएगा। बी के नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस 1 बच जाएगा। सी के नीचे एक्स माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो गए। एक के नीचे एक्स है तो ये लीनियर फैक्टर हम पुट कर सकते हैं, बराबर है ज़ीरो। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो लिखने से इस इक्वेशन में ये भी ज़ीरो हो जाएगा, सी वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1, यहाँ ज़ीरो पुट करने से 1 बनता है। तो ये ए भी ख़त्म, सी भी ख़त्म, बी यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, तो इस तरह बी की वैल्यू माइनस 1 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अभी भी हमारे पास दो वैल्यू और रहती हैं, बी और सी। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो था वो था एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हम 0 के बराबर नहीं लग सकते, वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी 1। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट करने से 1 प्लस 1, यहाँ एक्स की जगह 1 आ गया, इधर एक्स की जगह 1 आ गया। बी के अंदर जो एक्स माइनस 1 था तो एक्स की जगह 1 आ गया। सी के साथ तो एक्स स्क्वायर था, वहाँ 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 ए भी 0, 1 माइनस 1 बी भी 0, बाकी बच जाएगा सी 1 प्लस 1 2। अब हमारे पास फैक्टर नहीं बचे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 3 थी उसको दोबारा लिखेंगे, उसको कहते हैं रीराइटिंग। जब आप फैक्टर और पुट नहीं कर सकते या आपके पास लीनियर फैक्टर नहीं है तो आप इक्वेशन 3 जो एलसीएम के बाद हासिल होती है उसको दोबारा लिखेंगे, उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। उसमें एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर अलग कर लेने हैं, एक्स वाले अलग कर लेने हैं, कांस्टेंट अलग कर लेने हैं, या फिर उसको लिखा रहने दें। लिखना क्या है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर।
आप एक्स स्क्वायर के लिहाज से कंपेयर कर सकते हैं, एक्स के लिहाज से और कांस्टेंट के लिहाज से। हमें अपने रिजल्ट चाहिए, हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, वो है ए। जैसे ही मैं कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर करता हूँ, लेफ्ट साइड पे मैं देखता हूँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो उठाना है, वो है वन। राइट साइड पे देखता हूँ तो मेरे पास कोफिशिएंट जो है वो ये ए है और दूसरा जो है वो सी है एक्स स्क्वायर के साथ जो है। तो सी की जो वैल्यूज है वो हमारे पास आती हैं, ऊपर से वैल्यू आती है दो, यानी कि वन इज इक्वल टू ए प्लस टू और ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस वन इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू जो बनती है वो माइनस वन होती है। अब ये सारी वैल्यू जो है वो हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर जो हमने दो कंसीडर की थी, वहाँ था ए ए की जगह माइनस वन ओवर एक्स, बी की जगह वन ओवर वो भी माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर और सी की जगह टू ओवर एक्स माइनस वन। ये तमाम वैल्यूज जाएंगी इक्वेशन नंबर वन में जहाँ से हमने शुरू किया था एक्स प्लस वन जो हमने प्रॉपर में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पे ए की जगह माइनस वन, बी की जगह भी माइनस वन है और सी की जगह टू है। तो ये इसका सोल्यूशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन प्लस माइनस माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन। तो ये जो क्वेश्चन था पहले हमने इसको प्रॉपर में प्रॉपर से हमने इसको फिर डिजॉल्व किया इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन। इसी एक्सरसाइज के हवाले से या इसी तरह के कोई और क्वेश्चन आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।